पास हुए मोनू हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने मोनू की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दतिया में कोतवाली थाना अंतर्गत मुन्नी सेठ की तलैया के पास एक अज्ञात युवक का शव मृत अवस्था में पाया गया था। दतिया कोतवाली पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक युवक की लाश नग्न अवस्था में पड़ी मिली थी। पुलिस ने जब जांच की तो युवक की पहचान मोनू कोरी निवासी छोटा बाजार दतिया के रूप में हुई। युवक की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। दतिया में हुए इस मोनू कोरी हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोनू कोरी की हत्या का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी और उसी रंजिश को लेकर उसके ही साथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। दतिया पुलिस की ओर से आरोपियों पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए दतिया SDOP RC भोज के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी, जिसमें दतिया कोतवाली अजय भार्गव, उन्नाव थाना प्रभारी राजेश सातनकर, धीरपुरा थाना प्रभारी शैलेंद्र गुर्जर ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश देकर राहुल सोनी, प्रदीप कोरी और प्रीतम कोरी नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया जाने वाला वो चाकू भी बरामद कर लिया है, जिससे मोनू कोरी का गला रेता गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। चूंकि गंभीर प्रकरण था, इसलिए पतारसी के लिए कोतवाली TI अजय भार्गव, उन्नाव SO सातनकर और धीरपुरा SO शैलेंद्र गुर्जर की टीम को इस कार्य हेतु लगाया गया था। दिनांक 14 सितंबर 2017 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उनकी लोकेशन दतिया में आ रही है। ये जो तीनों आरोपी हैं इस कांड के, पहला राहुल सोनी पुत्र जगदीश सोनी उम्र 19 वर्ष, दूसरा प्रदीप कोरी पुत्र स्वर्गीय श्री दीनदयाल कोरी उम्र 22 वर्ष और तीसरा प्रीतम वाल्मीकि पुत्र स्वर्गीय नेकसाई उम्र 35 वर्ष। इन लोगों ने आपसी रंजिश के कारण उसकी हत्या करना स्वीकार किया। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।